चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, हम लोग यहाँ तक हेडर हमने बना लिया था अल्लाह अल्लाह करके। आगे हमने बनाना था ये वाला सेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है वो एक वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर तीन कॉलम पड़े हुए हैं, एक दो और तीन। तो ये चीज बनानी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक सेक्शन। सेक्शन बना लिया और इसकी एक आईडी भी रख देते हैं। इसकी आईडी क्या करें, इसको हम फीचर्स कह देते हैं। अच्छा, आप जब भी आप एक डिजाइन देख रहे होते हैं, सबसे पहली चीज आपने अपने दिमाग में बनानी होती है। अब मैं क्या दिमाग में बनाना चाह रहा हूँ, ये एक सेक्शन है जिसके ऊपर कुछ हाइट है, उसके नीचे कुछ हाइट है, और फिर उसके बाद एक दो तीन कॉलम पड़े हुए हैं, और उस कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, रो। लो जी, हमने एक रो बना ली। हमें पता है रो के अंदर हमने कॉलम बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉल कॉल एमडी। हमारे पास 12 कॉलम होते हैं टोटल, तो उनको डिवाइड करो, इट मींस के चार बनेगी। एक कॉलम बन गया, दो कॉलम बन गए और तीन कॉलम बन गए, ठीक है। ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री। इधर मैं आता हूं। अब मसला ये है कि ये यहां से कॉलम शुरू हो रहा है, जबकि इस कॉलम को इसकी अलाइनमेंट में आना चाहिए। तो मुझे क्या यूज करना है, इस रो के ऊपर मुझे एक कंटेनर भी चाहिए, ठीक है। ये कंटेनर यहां से शुरू होगा और जहां पर रो खत्म हो रही है उसके नीचे ये कंटेनर बंद होगा। रो इसके अंदर आ जाएगी और रो के अंदर कॉलम्स होंगे। अब देखते हैं आप क्या बनता है। चलें जी, हमारी ये वाली अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ गई इसकी सीध में। अब अगली चीज हमें क्या करनी चाहिए, यहां से हम देखते हैं कि इस सेक्शन के अंदर टॉप पे कितनी हाइट पड़ी हुई है। ये हाइट है जनाबे अली आपकी 60 px। जितनी हाइट ऊपर होती है उतनी हाइट नीचे होनी चाहिए, तो ये दोनों हाइट बराबर है। हम क्या करते हैं, ये जो हमने आईडी फीचर बनाया ना, इसकी पैडिंग लगा देते हैं इधर जाके, क्योंकि ये आईडी थी तो आईडी ऐसे आती है। और इसका नाम था फीचर्स। एक दफा कॉपी करना ले, कॉपी फीचर्स, इसकी पैडिंग लगानी है मैंने टॉप से 60 px। टॉप के बाद आता है आपका राइट, राइट से 0, और राइट के बाद आता है आपका बॉटम, बॉटम पे 60 px, और उसके बाद आ जाता है आपका लेफ्ट, उसको हम कर देते हैं 0। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो जी, टॉप से भी इसने स्पेस छोड़ दी पैडिंग की, नीचे से भी इसने स्पेस छोड़ दी। अगली चीज क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरी ये जो कॉलम के अंदर जो भी चीज आ रही है वो पड़ी हुई है सेंटर में, तो इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ टेक्स अलाइन सेंटर। जब टेक्स अलाइन सेंटर करूंगा तो ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया। अब अगली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे बनाना है ये वाला। तो ये सर्कल बनाना मैंने आपको यहां पर भी सिखाया था, लेकिन अब मैं आपको जरा अच्छे तरीके से बनाना सिखाता हूँ। वो किस तरह से, क्योंकि हम फॉन्ट ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो फॉन्ट ऑप्शन ने हमें इस तरह का सर्कल बनाने की क्लास पहले से दी हुई है, जो कि उसने अपने एग्जाम्पल में ये लिखी हुई है। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा,
इस स्टाइल को वो कहता है स्टैक्ड आइकॉन्स। मैं क्या करता हूँ, यहां से इस क्लास को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ और वन के अंदर सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये इसने रखा हुआ है जी 2x, इसको आप 3x कर दें। इधर आए और इसे रिफ्रेश कराएं, 3x भी नहीं बल्कि इसको आप करें 4x। अच्छा, अब ये जो ये कलर आ रहा है इसके पीछे बैकग्राउंड पे, ये आ रहा है ग्रे, इस कलर को मैंने चेंज करना है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाला कलर लूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पर आके ओवरराइड करवाऊंगा इस कलर को, एफ एस सर्कल की क्लास को ओवरराइड करवा देंगे। एफ एस सर्कल ये आ गया और इसका जो कलर है वो हमने ये वाला कलर कर दिया। तो ये कलर इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर इस तरह का कोई आइकन लेके आना, तो वो आइकन कहाँ से आएगा, वो आना चाहिए यहां से, ये सेटिंग होती है या व्हील होता है, देखते हैं जी क्या मिलता है हमें। फ्री वाले उठाने हैं हमने और उससे मिलता जुलता तकरीबन ये मिल रहा है, ये लगा देते हैं। एफ एस एफ ए कॉक, एफ एस एफ ए सी ओ जी, ठीक है ये आ गया। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ जी, एडिटेबल थीम, ओके यार कॉपी। इस पेन के नीचे एक H3 बना लो, उसके अंदर आप लिख दो एडिटेबल थीम और यहां से लो फीचर्स, फीचर्स के अंदर जो H3 होगा उसका कलर होगा, क्या कलर है इसका, 2222 और इसका फॉन्ट साइज होगा 20px। ठीक है, और उसके बाद मार्जिन टॉप 20 ने दिया हुआ है, मार्जिन टॉप कितना है जी, मार्जिन टॉप है तकरीबन 25px में करूंगा, मार्जिन टॉप और बॉटम से 25px और लेफ्ट और राइट से 0। एडिटेबल थीम इस तरह से आ गई और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट जाना चाहिए पैराग्राफ के अंदर, एडिटेबल थीम के नीचे एक पी होना चाहिए, शुरू होगा तो खत्म होगा, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उस टेक्स्ट को भी यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं कि जो ब्लॉक फीचर है उसका पी, उसका कलर क्या होना चाहिए, ये कलर आ रहा है आपका 848484, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए 16px, यानी हमारे पास
14px और इसके दरमियान भी मैं थोड़ी सी देख लूं कि वही है 25 ही है, टॉप और बॉटम से 25 हो जाएगी। तो अब जाके देखते हैं हमने अभी तक क्या बना लिया। तो ये नीचे टेक्स्ट लिखा गया, अब यही चीज हमने इस कॉलम के साथ करनी है और इस कॉलम के साथ करनी है। तो बहुत आसान है, सब कुछ हम पहले से बना चुके हैं। इसको कॉपी करो, एक दफा इसमें पेस्ट करो, एक दफा इसमें पेस्ट करो, रिफ्रेश करो, 1 2 3 यहां पर लग गया। अब हमने और क्या काम करना है जी, अगले का नाम है फ्लैट डिजाइन। अच्छा यहां पर आओ, इस वाले का नाम है फ्लैट डिजाइन और अगले वाले का क्या नाम है, रीच योर ऑडियंस। उसके बाद हमने क्या करने हैं, आइकन भी चेंज करवाने हैं। तो आइकन चेंज करवाना भी बहुत आसान काम है, एक है स्टार बना हुआ, स्टार भी हमें यहां से मिल जाएगा। फ्री वाला चाहिए भाई हमें, ये स्टार चाहिए, एफ ए स्टार फ्लैट डिजाइन के अंदर इधर आएगा एफ ए स्टार। और अगला क्या है, ग्लोब, ग्लोब। तो देखते हैं जी हमें क्या उसे मिलता जुलता मिलता है। ये अमेरिका का है, ये यूरोप का है, ये एशिया का है, ये तो गलत बात है, ये वाला ग्लोब उठा देते हैं, एफ ए ग्लोब। चलें जी ये आइकन्स लग गए और ये चेंज भी हो गए। उसके बाद अगला सेक्शन बनाना है अब हमने, अगले सेक्शन का कलर है ग्रे सा, ये ग्रे कलर में उठा लेता हूं। ठीक है, ये वाला सेक्शन मेरा खत्म हो गया, सेक्शन से अगला सेक्शन मैं बनाने लगा सेक्शन। और इसकी आईडी मैं रखूंगा वीडियो, क्योंकि एक वीडियो लगी हुई है इसके अंदर। और अगर मैं इसको देखूं तो क्या मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, ये कॉलम दो में डिवाइड हुआ हुआ है और एक चार का है और एक आठ का है और एक चार का है। इट मींस के सबसे पहले मुझे एक कंटेनर चाहिए, उसके अंदर मुझे रो चाहिए, रो के अंदर मुझे चाहिए कॉल एम डी 8 बना लेते हैं बस, 8 और 8 के साथ मुझे चाहिए 4। ठीक हो गया, ये जो ये वीडियो की मैंने आईडी बनाई है यहां पर मैं लिखता हूं आईडी वीडियो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने उठाया था, ये क्या आ गया, इधर उठाया था हमने E3। और इसकी जो पैडिंग है, अब क्योंकि फीचर की पैडिंग हमने 60 कर दी है तो वीडियो की पैडिंग भी हमने यही चलानी है। लें जी ये हमने एक नया सेक्शन बना दिया है, इस सेक्शन के अंदर जो हमने एक ये फॉर्म सा बनाना है और एक जो वीडियो लगानी है ये लगाएंगे इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में।